हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे, जिसको बार बार कंपटीशनों में पूछा जाता है कि जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनजीएनपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है। तो इन चारों चीज़ों में अंतर क्या है और इसका पूरा नाम क्या होता है, बस छोटा सा टॉपिक है, तो इसको समझ के इसको हिंदी में क्या बोलते हैं और इसको इसका पूरा नाम क्या होता है, ये आज हम लोग समझा जाएगा। तो दोस्तों, जीडीपी एक पूछता है, जीडीपी क्या होता है, इसके अलावा पूछता है एनडीपी, एक और पूछता है जीएनपी, और लास्ट पूछता है अंतर, मतलब इसके बारे में एनएनपी। तो हम लोग ध्यान देंगे कि ये क्या क्या इसका नाम है, तो इसका पूरा नाम क्या है। तो जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी का पूरा नाम जो होता है वो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्रॉस मीन्स होता है सकल, डोमेस्टिक मीन्स होता है घरेलू उत्पाद, ठीक है। सकल को ही हम लोग टोटल भी कहते हैं, इसके माने ये भी दिमाग में रखिएगा कि ग्रॉस मीन्स टोटल भी होता है, टोटल या कुल भी बोल सकते हैं, टोटल भी कहते हैं, यानी ग्रॉस घरेलू सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। दूसरा जो होता है एनडीपी का पूरा नाम क्या होता है, एन फॉर होता है नेट, डी फॉर आप लोग जानते ही हैं डोमेस्टिक, और प्रोडक्ट तो आप लोग वेल नोन है प्रोडक्ट, इसका नेट माने होता है शुद्ध, नहीं कहते कि एकदम नेट तौल रहा है कोई भी, तो शुद्ध डोमेस्टिक का आप लोग जानते हैं हिंदी घरेलू, और प्रोडक्ट का उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है। वो किसी दिन, ये बड़ा टॉपिक है, किसी दिन हम अच्छे से आप लोगों को जीडीपी क्या होता है और एनडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है, इसका बाकायदे आप लोगों को, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इन दोनों का अंतर और भारत में इसका योगदान और ये क्या क्या होता है ये बाद में बताएंगे दूसरे वीडियो में। फिलहाल आप लोग ये जानिए कि इसका पूरा नाम क्या होता है और जीएनपी का पूरा नाम क्या होता है। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे जी फॉर यहाँ पे भी ग्रॉस होगा, ग्रॉस, और एन फॉर होता है यहाँ पे याद रखेंगे नेट नहीं होगा, यहाँ पे होगा नेशनल, नेशनल प्रोडक्ट, यानी इसका पूरा नाम क्या हो गया हिंदी में सकल, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय उत्पाद, प्रोडक्ट माने होता ही आप लोग जानते हैं, और एनएनपी क्या क्या होता है, तो यहाँ पे एन फॉर जो होता है यहाँ पे भी होगा, पहले अंग्रेजी में बता देते हैं फिर हिंदी में बताते हैं, इसका होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब नेट माने यहाँ पे आप लोग जान ही गए हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये दिमाग में रखिएगा दोस्तों कि इसका पूरा नाम हमेशा याद रखिएगा कि जीडीपी माने होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अंग्रेजी में, और हिंदी में होता है सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में एनडीपी का पूरा नाम होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध घरेलू उत्पाद, और जीएनपी का होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और एनएनपी का होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इन चारों में से अगर कभी सवाल पूछ दे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है यानी नेशनल इनकम किसे कहते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे कि
कि किसी भी देश की नेशनल इनकम जो होती है वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, जिसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं राष्ट्रीय आय। भारत की राष्ट्रीय आय, जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत की राष्ट्रीय आय क्या होती है वो NNP के द्वारा ही बता सकते हैं कि वो क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय जो होती है वो आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या कहलाती है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जो नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय यही होता है, यानी NNP होता है। तो ये दिमाग में रखिएगा, आप लोगों को आई होप सो ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो लाइक एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब न करना भूलिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के वीडियो ढेर सारे जानकारी वाले आपको मिलते रहेंगे। तो गुड नाइट।